वेलकम टू माय व्लॉग फ्रेंड। आज हम आए हुए हैं नवरात्रि के शुभ अवसर पे आए हुए हैं हम माता दुर्गा मंदिर। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आप दुर्गा माता मंदिर का आप दर्शन कर सकते हैं जो कि लुधियाने में है। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये है माता दुर्गा मंदिर का मेन द्वार। ये देखिए कितना भव्य रूप से माता यहाँ विराजमान है और आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ ये माता मंदिर है। यहाँ पे दुर्गा माता मंदिर है जो कि बहुत ही भव्य है और बहुत ही यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए अभी। और ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पे सजावट है, बहुत ही सुंदर सजावट किया गया है इन नवरात्रि के शुभ अवसर पे। इतना भव्य और इतना सुंदर लगता है कि आप यहाँ आएंगे तो जी करेगा कि यहाँ ही हम बैठे रहें और देखते रहें। इतना शांति है और इतना भव्य रूप से बना हुआ मंदिर है ये। ये देखिए अब आपको नेक्स्ट ले चलते हैं। ये देखिए ये बाहर का द्वार है। और ये है भोले बाबा का यहाँ पे मंदिर, साथ में ही है, इनके अंदर ही सब अटैच है। और ये है दुर्गा माता का मंदिर जहाँ पे कि 9 देवियाँ विराजमान हैं। ये देखिए कितना भव्य रूप से कितना सुंदर से बना हुआ है जो कि देखते ही मन मोह लेगा आपका। और यहाँ पे मैं दर्शन करने के लिए आया हुआ हूँ और थोड़ा देर यहाँ पे भजन यहाँ पे सुन रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा आप अपनी माता के भक्त के पास, अपने फ्रेंड के पास। और ये देखिए ये भोले बाबा का मंदिर है। यहाँ पे शिवलिंग भी जो है यहाँ पे शिवलिंग के रूप में विराजमान है और इसकी प्रतिमा भी यहाँ पे है, भोले शंकर और माता पार्वती का। और ये देखिए दिव्य रूप से मंदिर का सजावट किया गया है और बहुत ही सुंदर है मंदिर ये, जो कि आपको एक बार अगर आप लुधियाने में हैं तो एक बार ज़रूर आना चाहिए। और ये देखिए माता यहाँ पे, ये इस मंदिर के अंदर 9 माता का देवी का यहाँ पे प्रतिमा का दर्शन आप कर सकते हैं। और ये दुर्गा माता का है जो कि दुर्गा माता के बैक साइड में यहाँ पे जो है मंदिर वहाँ पे दिखाया गया है इस तरह से। और यहाँ पे ये देखिए पहले लोग जो ऋषि मुनि हुआ में तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता था वही इस कलयुग में केवल नाम मात्र परमात्मा का नाम लेने से हमें वो फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि तप करने के लिए हमें मन को पवित्र करना पड़ेगा। हम यदि पूजा करेंगे तो पूजा में क्या क्या चाहिए, महाराज पूजा में लेगा ठाकुर जी को स्नान भी कराते हैं, माला भी जपते हैं। अब जब तक हमारे तन की शुद्धता नहीं है, जब तक हमारा तन पवित्र नहीं है, तब तक तो हम पूजा नहीं कर सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते। कि कोई लोग हैं ऐसे कि बिगर नहाए हुए मंदिर भी चले जाते हो, क्योंकि पूजा करने के लिए क्या चाहिए, हमें इस तन की पवित्रता चाहिए और ठाकुर जी से ध्यान लगाने के लिए क्या चाहिए, हमें वहां पर तन नहीं देखना, हमें वहां पर मन देखना है कि मन हमारा कैसा है। पूजा करने के लिए हमें हमारे तन की शुद्धता, परमात्मा का तप करने के लिए, परमात्मा का नाम लेने के लिए हमारे मन की पवित्रता जरूरी है। सतयुग में तप चलता था, जो भी कार्य व्यक्ति करता था वो तप के आधार पर किया जाता था, तप करो तब जाकर के फल मिलता था। उसके बाद में त्रेता युग आया,
प्रेताओं में क्या जलते थे, प्रेताओं में यज्ञ जलते थे, जो कार्य करो वो यज्ञ से। भाई दशरथ जी के वहां पर चार पुत्रों ने जन्म लिया, राम